उनका कहना है कि सरकार सवालों का जवाब दे। मैंने सुबह में भी इस विषय पर आपसे एक प्रश्न कहा था कि सदन को चलाने की जवाबदेही सत्ता और विपक्ष दोनों की है। लोकतंत्र की अवधारणा में सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी का दो पहिया है, लेकिन अगर एक पहिया बेमेल हो जाए तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होगी। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने, चाहे कटौती प्रस्ताव पर बहस हो, जो कल आपने देखा, अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। आज भी आपने देखा कि प्रथम पाली में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो अनंत ओझा जी के सवाल पर पूरा सदन खामोश था और उनके विषय सदन में आए। द्वितीय पाली में जब ध्यानाकर्षण के विषय चल रहे थे तो आपने देखा कि रामचंद्र चंद्रवंशी जी जितने समय तक बात कर रहे थे, सदन में किसी भी तरीके का हल्लांगामन नहीं हुआ। जैसे ही हमारे सत्ता पक्ष के साथियों का ध्यानाकर्षण आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ये लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। प्ले कार्ड तक चलने की बात आती है हमारे सदन में, अगर संसद की बात करें तो वहाँ तो तस्वीर दिखाने पर ओम बिरला जी माइक घुमा देते हैं। तो आज यह आरोप अगर लगा रहे हैं कि आसन पर पक्षपात का आरोप, सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही, ये आरोप, हर उस चीज़ का जवाब देने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन कम से कम मैं आपके माध्यम से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपसे, आपके द्वारा भी यह पूछा जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आप पर, कि आपने प्रथम पाली में अपने सवालों को होने दिया, द्वितीय पाली में रामचंद्र चंद्रवंशी जी के ध्यानाकर्षण को होने दिया, बजट पर जब अभिभाषण था तो कटौती प्रस्ताव आपने चलने दिया, भानु प्रताप के वक्तव्य को आपने चलने दिया, लेकिन जब जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब की बारी आई तब वो हंगामा करके वॉकआउट कर गए या सदन को बाधित किया, यह किस परंपरा के तहत है? तो मैं आपके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और ख़ास करके झारखंड की जनता से यह बात ज़रूर से कहना चाहूँगा कि झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से चल रहे सदन में झारखंडी जनता के संसाधनों का दुरुपयोग करने का अगर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता इस बात को देख रही है। और मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि बिजनेस ऑफ हाउस इनके इन हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। झारखंडी जनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय और मामले हैं उनका हम समाधान करेंगे और इस सदन की भी, इस सत्र, पांचवी विधानसभा के अंतिम सत्र की सार्थकता को भी हम प्रमाणित करेंगे। विधायक वो सदन के अंदर बने हुए, ये विपक्ष के विधायकों से ये प्रश्न होना चाहिए कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता ने उनको चुनकर जनता की भावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप प्रश्न पूछने के लिए भेजा है, सदन को नौटंकी का अड्डा बनाने के लिए नहीं भेजा है। और अगर वो सदन को नौटंकी का अड्डा बना रहे हैं तो प्रबुद्ध जनता भी देख रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर आप भी देख रहे हैं और हम लोग तो देख ही रहे हैं और हम लोग इसका प्रतिकार भी करेंगे। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार।